नवा किली। पेशावर के नवाह में वाकई एक छोटा सा गांव, जिसे कुदरत ने वो शोहरत दवाम बख्शी जो शायद किसी बड़े शहर की तकदीर में भी नहीं। यही वो जरखेज जमीन है जहां से दुनियाए स्क्वॉश के वो अजीम खिलाड़ी उभरे कि जिनकी बदौलत पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ। इन खिलाड़ियों में हाशिम खान, रोशन खान, कमर जमान, जहांगीर खान और जानशेर खान जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन ये फहरिस्त एक नाम के बगैर हमेशा नामुकम्मल रहेगी और वो नाम है आजम खान का। आजम खान ने 1924 में इसी गांव नवाकिली में आंख खोली और अपने बड़े भाई हाशिम खान को स्क्वॉश के एक मायानाज खिलाड़ी के रूप में देखा। आजम खान को जाती तौर पे इस खेल में कुछ खास दिलचस्पी न थी, ताहम जब 1951 में हाशिम खान ने ब्रिटिश ओपन का टाइटल जीता तो उसके बाद उन्होंने आजम खान को अपने पार्टनर के तौर पर खिलाना शुरू कर दिया और यूं 1952 में 26 साल की उम्र में आजम खान ने पहली बार स्क्वॉश कोर्ट में कदम रखा और अपने बेपनाह टैलेंट की बिना पर वो जल्द ही इतने बेहतरीन खिलाड़ी बन गए कि ठीक 2 साल बाद वो ब्रिटिश ओपन के फाइनल में हाशिम खान ही के मद्दे मुकाबिल थे। ये मैच स्क्वॉश सर्किट में आजम खान की मकबूलियत और कामयाबियों का आगाज साबित हुआ और 4 साल बाद ही इसी कोर्ट में मुहिबुल्ला खान को शिकस्त देकर आजम खान ब्रिटिश ओपन के फातेह करार पाए। इस फतह के बाद आजम खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 3 ब्रिटिश ओपन टाइटल और 1 यूएस ओपन टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की, लेकिन 1962 में उन्हें एक चोट के सबब स्क्वॉश के खेल को खैरबाद कहना पड़ा। आजम खान साहब न सिर्फ एक बहुत बड़े प्लेयर थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। हाशिम खान साहब उन्हें स्क्वॉश में लेकर आए और जब उन्होंने अपना पहला मैच हाशिम खान साहब से जीता ब्रिटिश ओपन में तो उनसे इजाज़त लेके जीता, क्योंकि वो उनके बड़े भाई थे। जिस मकाम पे वो पहुँचे उन्होंने कभी इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि वो इतने बड़े लेजेंड हैं, बल्कि एक बड़ी सादगी के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी। इसके बाद उन्होंने बरतानिया में ही मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर ली और लंदन में वाकई एक स्क्वॉश क्लब में ट्रेनर की हैसियत से काम करना शुरू कर दिया। क्लब के मालिक ने उनकी मेहनत को देखते हुए यह क्लब उन्हें बेच दिया, जो जल्द ही स्क्वॉश के बेहतरीन कोचिंग क्लब्स की फहरिस्त में शामिल हो गया। 1975 में एयर मार्शल नूर खान की हिदायत पर 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी कमर जमान और मुहिबुल्ला जूनियर को उनके क्लब में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। यहाँ आजम खान की जाती काविशों की बदौलत कमर जमान ने 12 साल बाद पाकिस्तान के लिए ब्रिटिश ओपन का एजाज हासिल किया। आजम खान एक बहुत ही ग्रेट प्लेयर थे। पाकिस्तान एयरफोर्स से ताल्लुक था उनका। 75 में नूर खान साहब ने मुझे ट्रेनिंग के लिए आजम खान साहब पास भेजा। 2.5 महीने हमने वहाँ शेफर्ड बुश क्लब में उनके जेर साया ट्रेनिंग की और 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आर्मी चैंपियनशिप जो है 75 में जीती। इसके बाद आने वाले सालों में भी पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी आजम खान के तजर्बे से मुस्तफीद होते रहे। जब पाकिस्तान को सिर्फ बने हुए 3 साल हुए थे तो 4 ऐसे पर्सनैलिटीज, स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी, स्क्वॉश की पर्सनैलिटीज, जिसको आज भी हम उसी दौर से देखते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को शनाख्त कराया, स्क्वॉश को एक नए लेवल पे तारुफ कराया और वो पीरियड जैसे 1950 से लेके 63 तक पूरी दुनिया में डोमिनेट किया। हाशिम खान, मेरे वालिद साहब रोशन खान, आजम खान एंड मुहिबुल्ला सीनियर, ये 4 ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने इस दौर में सारी जगह डोमिनेट किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जिसको आप कहते हैं कि खान्स ऑफ पाकिस्तान जिस जमाने में कहा जाता था और स्क्वॉश के नाम से ही उनको पहचाना जाता था। खेल के हवाले से कहते हैं कि ही वाज अ गुड वॉली प्लेयर, गुड स्ट्रोक प्लेयर। इसके साथ साथ आजम खान ने अपना यह टैलेंट अपनी नस्ल में भी मुंतकिल किया। आपके साहबजादे वासल खान अगरचे जूनियर लेवल तक स्क्वॉश खेलते रहे, ताहम उनकी पोती कारला खान ने प्रोफेशनल स्क्वॉश में खातिर ख्वाह कामयाबियां समेटी। खान की कंट्रीब्यूशन को पाकिस्तान स्क्वॉश फेडरेशन हमेशा याद रखेगी।
उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा तारीख में, उन प्लेयर्स को जो कि हमारे अभी जिन्होंने ब्रिटिश ओपन अंडर 15 जीता भी है, जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं, अंडर 17 के प्लेयर्स हैं, उनमें से कई नवाकली गांव से भी हैं, जैसे हमने तकरीबन 6 ब्रिटिश ओपन चैम्पियंस पैदा किए जो कि एक रिकॉर्ड है। उनके लिए सिर्फ मैं यही कह सकता हूँ कि वो आज़म खान साहब की ज़िंदगी से सबक हासिल करें और देखें कि वो क्या अवामिल थे, वो क्या डिसिप्लिन के उनके स्ट्रेंथ थी और ट्रेनिंग की वैल्यूज़ थी और एक उनके जनून था कि वो वर्ल्ड चैम्पियन बन सकें। आज़म खान 28 मार्च 2020 को 95 बरस की उम्र में लंदन के एक अस्पताल में खालिक़े हकीकी से जा मिले। पाकिस्तान के लिए स्क्वाश के खेल में उनकी खिदमात को हमेशा सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा।